ए सूरी, तू अब तक पहुंचा क्यों नहीं? यार मेरा पेट खराब है, तू जा फोन रख। आज उसका दूसरा भाग। अब तक आपने सुना कि लड़का बाप से झगड़ कर पैसे को झटपट बढ़ाने की लालच में एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट काम है, आप लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? उसने उससे लिफ्ट मांगी। वो अजनबी भी खजाने की लालच में ही आगे जा रहा था। इत्तेफाक से वो लड़का और वो अजनबी दोनों ही बिना एक दूसरे को जाने खजाने की तलाश में एक ही दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। अब आगे रूबिक्स क्यूब, आप खेलते हैं? कहाँ जाना है? सिक्सर पब। पार्टी है? पार्टी के लिए पैसे चाहिए, पार्टी करने की अपनी औकात नहीं है सर। तो फिर आईपीएल सीजन है ना, बैटिंग करने जा रहा हूँ। इस छोटे से शहर में भी बैटिंग होती है? कैसी बातें कर रहे हैं सर, जितना पैसा इस पब में एक रात में लगता है उतना तो इस स्टेट का एनुअल बजट भी नहीं होगा। पुलिस सोती रहती है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए सर, बैंक भी लुट जाए तो नहीं जागती जब तक उन्हें कोई जगाए नहीं। क्या पूरा टाइम रेडियो मिर्ची सुनता रहता है? रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर रहने दे, मुझे रेडियो मिर्ची पसंद है। अरे बॉस यहीं पर रुकना, सेकंड लेफ्ट थर्ड बिल्डिंग। जरा पैसे संभालना, कहीं चोरी ना हो जाए। होशियार रहूंगा, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। चोर कभी वार्निंग देके नहीं आता। बस क्या सर, सिगरेट पैकेट पर वार्निंग होती है कि उसे पीने वाला मौत को गले लगा रहा है, लेकिन मेरी बात अलग है। मैं डायरेक्ट मारता हूँ लेकिन वार्निंग कभी नहीं देता। मुझे इन कलर्स को एक तरफ लाने में एक हफ्ता लग जाता है, इस साले ने तो 5 मिनट में कर दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? साले सूरी ने टांग दे दी यार, उसी के वेट में यहाँ आने के लिए लेट हो गया। सिचुएशन क्या है? किंग्स 11 पंजाब 192। बाप रे, चेन्नई ने कितना मारा? सीएसके 148/4। धोनी है के गया? खेल रहा है, 20 बॉल पे 45 रन। तो टेंशन नहीं है। बैटिंग रेट 10 लगाओ 12 पाओ। हेलो, फोन बंद कर यार, मैं बाबा को 1,00,000 रुपए लाने का चैलेंज देकर आया हूँ। ए तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? धोनी एक छक्का मारेगा तो 1,00,000 मिलेंगे। अच्छा। और नहीं मारेगा तो सिर्फ 12,000 जाएंगे। अबे मेरे पास सिर्फ 10 है। टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। लिख लो, धोनी के एक छक्के पे मेरे 12,000 लग गए। आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा सर? अगर मेरे सोचने से सब हो जाए तो आज तक मैं करोड़पति नहीं बन गया होता। चाहे ये टीम जीते या वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाके पैसे लगा। अबे इसे क्या हुआ? धोनी के विकेट पे इसने 10,00,000 रुपए लगाए थे लेकिन उसने मार दिया चौका और इसका बन गया स्टैच्यू। यस! ओए धोनी ने छक्का मारा, देखा क्या? अरे मैं तो पहले से ही क्लीन बोल्ड होके सो रहा हूँ। यस! हे लाइट हाउस, 1,00,000 रुपए तैयार रखना। अरे बाप रे, मेरा तो नुकसान हो गया। अरे पुलिस आ गई। अरे चलो 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 चलो। ये कितना है? क्या साहब, आपको 2 नंबर जाने का है क्या? उसे क्यों मारा? मेरे पास बार का लाइसेंस है, वो मेरा कस्टमर है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे पास सर्च वारंट है क्या? मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है, 1 मिनट पकड़ रहे। बहुत खुजली हो रही है, अब मिटेगा। सर हमें कहाँ पहुँचना है? मेन रोड से सेकंड लेफ्ट थर्ड बिल्डिंग में। सर वहाँ पर एक सिक्सर पब है ना, वहाँ पर रेट डालें तो हमें पूरे स्टेट बजट जितना पैसा मिल सकता है। अच्छा, कंट्रोल रूम में फोन कर सर, और पूरे के पूरे स्टाफ को इधर बुला के ले। यहाँ का एड्रेस भी दे दे उन लोग को। ओके सर। हंस काहे को रहा है? मैंने कोई जोक मारा क्या? चलो ए सब लोग लाइन लगाओ, सबकी तलाशी लेनी है, ज्यादा बकवास की तो दूंगा। ये कोई लाफ्टर शो नहीं चल रहा है जो तू हंस रहा है? हंसने की वजह बता, नहीं तो। आपने जो एड्रेस बताया, सेकंड लेफ्ट थर्ड बिल्डिंग, एग्जैक्टली 1 घंटे पहले मैंने किसी क्रिमिनल को बताया था। मैंने उनसे ये भी कहा था कि यहाँ पर बेटिंग होती है और एनुअल बजट से ज्यादा पैसा लगता है। यही बात सोचकर मैं हंस रहा था सर। मतलब ये इन्फॉर्मेशन देने वाला क्रिमिनल है? 100%। वो कोई शरीफ मानुस भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो नाम और नंबर बताता। कोई गुमनाम कॉल था सर। ओके, मैं समझ लो, क्राइम कहीं भी हो सकता है। पर कहाँ हो सकता है? हमारे इलाके की सारी पुलिस यहाँ है और आपने बाकी फोर्स को भी बुला लिया। कंट्रोल रूम के पास का बैंक लूटने का, इससे अच्छा मौका और क्या होगा सर? इस बात की क्या गारंटी है कि वो लुटेरे ही थे? इतनी भारी बरसात में वो ग्रुप आकर क्यों निकला होगा? शादी होगी, मुहूर्त नहीं है, टूर के लिए लगेज नहीं था, चेहरा छुपाने के लिए मंकी कैप्स थे,
कांटेदार तार काटने के लिए वहां कटर्स थे, लॉकर को खोलने के लिए बड़ा टूल बॉक्स था, और इन सबसे जरूरी सबकी आंखों में डर था। कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हम कोई बहुत रिस्की काम करने के लिए निकलते हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं? छोड़िए ना सर, लॉजिक कोई नहीं मानता, सबको मैजिक चाहिए, इसीलिए तो यहाँ साइंटिस्ट के बजाय बाबा फेमस है। प्रभु चला जाविया। कहाँ जाना है? माचिस है क्या? हम कितने लोग हैं? लगभग 10 लोग होंगे। मतलब कम पैसा मिलेगा, इसलिए तो वायर कट करने के बाद तुझे कट करना है। ए, कौन है वहाँ? जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद, तब एक शोर निकलता है। काली सी सड़क पे ये आवाज आती है, चोर 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 चोर। जरूर खोलेंगे, पर चाबी से। स्ट्रॉन्ग रूम में अभी भी स्टाफ को होना चाहिए, उनके पास चाबी होगी। तूने इन सबको मारा? तूने ही मारा ना? बोलो। अरे बोल, वो डर जाएंगे ना। श्रीनिवास हम हैं। तुम यहाँ का दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएंगे। अब या तो तुम दरवाजा खोलोगे या तुम्हारी बीवी। थैंक यू। जाके लॉकर खोल। Yeah!
दिया ना, तेरा यही प्लान था ना। अंदर आए तो थे 10, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते हम बस 2 बचे। अब यहाँ से कोई एक ही बाहर जाएगा तो मुझे मार देगा ना। हाँ, क्रेन के ड्राइवर को भी मार दूंगा। सर सर सर, यहीं रुकिए सर, उस कार का पीछा करके कुछ नहीं मिलेगा। वो जानबूझकर लाइट जला के भाग रहे हैं, जबकि वो अंधेरे में बच के निकल सकते थे। ये क्रेन अभी तक हिल रही है, इसी से पैसा उठाया है। इसका इंजन भी ऑन है, दीवार इससे तोड़ी गई थी। एक बड़ा ट्रक इसी रास्ते गया है और उसी पर लदा है पैसा। सुन लदा भैया, तुम्हारे पीछे पुलिस है। थोड़ा सा आगे बढ़कर डंपिंग यार्ड है, ट्रेलर वहीं छिपा दे। कोई सोचेगा भी नहीं कि उस कचरे में करोड़ों पड़े हैं। मेरी गाड़ी यहाँ फंस गई है। रावण तो पीसीआईबी से लेफ्ट मार के इतना अनिल लोकर। ये भैया पुलिस आ गई है। लाला मैं वर्तराज को फोन करता हूँ, इतना ख्याल रखना कि पैसे नजर ना आए। अगर किसी की नजर पड़े तो उसे वही खत्म कर दो, मैं वहां पहुंच रहा हूँ। रवि, यहाँ आकर मेरी मदद करो। आप बस 1 मिनट इसे संभालिए, मैं 2 मिनट में आया। छोड़ दे कहता हूँ। अंगूठे के बिना तीर चलाना और उंगली के बिना ट्रिगर दबाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बॉडी को फॉरेन हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर पैसा यहीं कहीं आसपास होगा। लात पड़ते ही मुंह खोल देगा। सर अमाउंट बहुत बढ़िया, आपको अभी ढूंढनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो खून के इल्जाम में फंस जाएगा। चल जा। सर एक लोग तुमसे खून हुआ है, बेहतर है इससे दूर रहो। प्रभु सर अभी को घर छोड़ दो। ओके ओके सर। पुलिस की 4 गाड़ियां छोड़ने आई थी, जरूर बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा। पुलिस जीप से उतरने वाला हर इंसान क्रिमिनल नहीं होता,
वीआईपी भी हो सकता है। बाबा अपने आप को बड़ा वीआईपी समझता है, शक्ल से तो खून ही लगता है। जाके आईना तो देख। आईना तो मैं रोज देखता हूँ, माँ कहती है हीरो लगता हूँ और बाबा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। पी मैं रहा हूँ और चढ़ इसको रही है।